नमस्ते ब्रज छारी बीड, आपका स्वागत है। आज खड़ा हूँ भाई टाटा पंच के सामने। ऐसा जो वेरिएंट दिखा रहा हूँ आपको, वेरिएंट ऐसा है भाई, मतलब अपने प्राइस सेगमेंट में ना अपने एक वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। वैल्यू फॉर मनी क्या प्रोवाइड करता है मैं आपको दिखा दूँ, पर एक शोरूम बताऊँ तो आप उसके पहले मैं आपको पूरा गाड़ी का बोकरन दिखा दूँ। गाड़ी है कौन सी पर आप दिखा सकते हो कमेंट करके, तो बताना पंच का वेरिएंट है कौन सा नहीं। अगर आप जो गाड़ी पंच जानते हो या जिसके पास पंच होगी या फिर पंच लेने का प्लान कर रहा हो, वो अपने आप बता देगा भाई हाँ ये वाला वेरिएंट हमारा है। वेरिएंट है भाई ICNG का है। आप देख सकते हो भाई जो टेक्नोलॉजी भाई टाटा लेके आई है प्रेजेंट के अंदर, अन्यथा कोई भी कंपनी मुझे दिखा नहीं है कि ये वाली टेक्नोलॉजी कोई कंपनी लेके अपना प्रेजेंट में आई है। सेगमेंट वाइज डुअल विन सिलेंडर कोई कंपनी नहीं देती जो अपने को टाटा प्रोवाइड करती है। अपनी रिटर्न टाटा जी को मैं थैंक्स अलॉट करता हूँ भाई, जो कंपनी मतलब टू सिलेंडर किसी गाड़ी के अंदर देती है। हालांकि छोटे छोटे सिलेंडर है लेकिन बड़े बड़े सिलेंडर नहीं, बड़े सिलेंडर बूट स्पेस भी उन्होंने दे रखा है। चलो भाई बात करते हैं सामने से, बात करें प्राइस वाला सारी चीज़ दिखाऊंगा, बात करता हूँ सामने से। सामने से चाबी आपको ऐसे मिल जाती, रोड बोर्ड की मिल जाती, दो रिमोट की के साथ स्मार्ट की मिल जाती है। CGC के अंदर आपको लॉक अनलॉक का फंक्शन, फॉलो मी हेडलाइन, बूट खोलने का फंक्शन इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ से फॉलो मी हेडलाइन लगा सकते हो, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटर भी इसी के अंदर, DRL भी इसी के अंदर अपने आप जला सकते हो। जैसे लॉक अनलॉक का ऐसे ही है ना, ये देखो ये DRL हो गए, ये अपनी इंटीग्रेटर हो गए, ये अपना इस चीज़ काम आते हैं। ठीक है, फॉलो मी हेडलाइन बंद कर देते हैं अपना। अब ग्रिल की बात करूँ, आपको ग्रिल ऐसी मिल जाती है, बेस मॉडल से आपको क्रोम रेड स्टैंडर्ड ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे हॉर्न का बेस मिलता है, एयर इंटेक भी आपको डुअल वेरिएंट में मिल जाता है अपना। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा वो देगा रेगुलेटर दिया गया भाई, मतलब इतना बड़ा रेगुलेटर मैं क्या कह दूँगा आपको मैं। ठीक है, यहाँ ट्विन हुक मिल जाता है, फॉगलाइट आपको इसमें मिल जाती है, वो अंदर जाकर दिखाऊँगा आपको। फॉगलाइट अपने कंपनी फिटेड है कि बाहर से ऐसे पार्ट है। एयर इंटेक भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब इन SUV के अंदर एक माइक्रो SUV है ये, जो कम्पीट करती है भाई मारुति की इग्निस, रेनॉल्ट की ट्राइवर, वो सॉरी काइगर, और अपनी निशान की अपनी जो कहती ना कौन सी मैग्नाइट, उससे कम्पीट करती है। हालांकि कभी कभी तो अपनी ब्रेजा से कम्पीट कर जाती। अब वॉर्मिंग की बात करूँ, वॉर्मिंग आपको ऐसे मिल जाते हैं इसके अंदर, टैन इंडिकेटर आपके इस पर मिल जाता है। वॉर्मिंग ग्रे कलर आप देख सकते हो भाई, माचो सा कलर तो ये लगता है मुझे गाड़ी के अंदर। ट्रायल साइज की बात करूँ, टायर साइज आपको ऐसे मिल जाते हैं व्हील कैप के साथ में, और टायर साइज आपको इसके अंदर कहाँ मिलता है, हाँ ये 15 इंची का आपको टायर साइज मिल जाता है इसके अंदर, देख सकते हो। व्हील कैप 4 नट, टाटा का लोबो, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डम्बरिक्स मिल जाते हैं, 200 समथिंग आपको ग्राउंड से मिल जाता है। टेलीफोन सस्पेंशन इसके अंदर, क्लाडिंग वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाती है। चलो भाई आइए ड्राइवर साइड और दिखाऊँ, प्राइस आपको दिखाऊंगा वो भी अच्छी चीज़ है। रिक्वेस्ट सेंसर बटर आपको सिंगल ही मिलता है, देख सकते हो। 4 पावर विंडो इसके अंदर मिल जाती हैं अपने को, 4 पावर विंडो के सर मेरा एडजस्ट करने का लीवर मिल जाता है, उसको बंद चालू भी आप यहाँ से आप कर सकते हो। फोल्ड अन फोल्ड, लॉक अनलॉक का लीवर आपको मिल जाता है। टूटर इसके अंदर आता है कि नहीं आता पता नहीं है भाई, शायद नहीं आता, वो भी आप देख लेंगे। एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, बोटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, मैक और छाता रखने का अम्ब्रेला होल्डर भी इसके अंदर मिल जाता है। मैक पॉकेट बोटल होल्डर इसके अंदर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर पहली गाड़ी टाटा हर एक कार के अंदर अपने के अंदर अम्ब्रेला होल्डर देती है। इन केस इनकी टियागो से लेकर एल्टोस, नेक्सॉन और हैरियर सफारी के अंदर भी इनके ट्रैक वो देती है। चलो फिर एडजस्ट की बात करूँ, बैक एडजस्ट मिल जाता है अपने को, साइड एडजस्ट मिल जाता है। यहाँ पे बैक एडजस्ट करते हैं, ड्राइवर साइड ऊपर नीचे कर सकते हो। बैक प्लेट आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये है ये लगा दिया भाई स्केच वगैरह के लिए ना है, ये काफ़ी अच्छी पन्नी लगा के दी इन्होंने। 3 पेडल मैनुअल ऑटोमेटिक के, CNG में भी ऑटोमेटिक आती है, पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक आती है। यहाँ पर देख सकते हैं CNG स्विच लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, ये CNG स्विच का बटन मिल जाता है, यहाँ पे ये फॉगलाइट का बटन है भाई, कंपनी ब्रांडेड फॉगलाइट इसके अंदर मिल जाती है। चलो ये एडजस्ट सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे, आइए इसको ऑन करके दिखाऊँ आपको किसके अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, वो भी आपको सारी चीज़ दिखाऊँ आपको। 5-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, मैनुअल AC मिल जाता है, लेकिन वर्क इसके ऑटोमेटिक जैसा ही लगता है। इसने यहाँ से फैन स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो, कितनी कम जादू अपने हिसाब से, यहाँ से मोड़ वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कितना अपना टेम्परेचर चाहिए कितना चाहिए, 1000 आपको यहाँ मिल जाता है। टिकटॉक सिस्टम आपको कैसा मिल रहा है, आइए एडजस्ट सिस्टम ऑन करता हूँ मैं आपको एक बार। फर्राटा चालू हो चुका है, देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार भाई, फर्राटा बंद हो जाए। ये है भाई, ये है हरमन कंपनी का सिस्टम जो इस समय मारुति भी लेती, इन केस पहली कंपनी थी जो टियागो के अंदर ही आपको हरमन कंपनी का सिस्टम इसके लगा के कंपनी देती थी, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, ऐप पर कारप्ले सपोर्ट करता है, और USB यहाँ पर सपोर्ट करता है, यहाँ पर आके USB सपोर्ट करता है, ऑक्स तो नहीं करता है, हालाँकि देखो ये USB सपोर्ट करता है, यहाँ पे ऑक्स नहीं करता है। 12B का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है अपने को यहाँ पे,
यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह कुछ अपना कार्ड वगैरह अपना फंसा सकते हैं यहाँ पे। ये है ग्रे फिनिश, आपको यहाँ पे मिल जाती है, बाहर की फिनिश बॉडी फिनिश अपनी यहाँ पे मिल जाती है। ग्लोबस की बात करूँ, यहाँ पे आपको ऐसा ग्लोबस, भाई इसके अंदर लाइट भी मिलती है, भाई टाटा क्या करके मानोगे आप लोग यार, यार ऐसी चीज़ जगह पर भी आप लाइट दे रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। इन केस नाइट ड्राइविंग में पेपर वगैरह निकालना करना हो ना, वो अपने काम में अपना कन्वेंस हो जाता है। यहाँ की बात करूँ सनसेट बैनिटर मिल जाता है, लाइट एक छोटी सी लाइट अपने को यहाँ मिलती है, बंद चालू इसको कर सकते हैं, दोनों ओपनर पे अपना काम करती है। पिंक टिकट होल्डर अपने को यहाँ मिल जाता है, ये का विंड शीट एरिया भी काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है, सीट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वार बीम आपको ऐसा मिल जाता है, काफ़ी शानदार सा है। सीट आपको फैब्रिक वाली मिल जाती है भाई, आगे से यही है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे ही आप कर सकते हो, इधर से बाइफर का टॉगल चला सकते हो, इधर लाइट के टॉगल चला सकते हो। बीम एडजस्ट लीवर आपको यहाँ मिल जाता है, बीम ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी लाइट की, जो ऊपर नीचे आप कर सकते हो इसके लिए अपना ये है। ऐसी आपको MID मिल जाए, डिजिटल में आपको MID मिलती है, आपको MID मिलती है, यहाँ से ये कंट्रोल होती है कितनी चलेगी कितनी, मतलब डीजल सारा आपको पूरा दिखाता है, बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें इसी के अंदर दिखाता है, सब कुछ किलोमीटर ट्रिप वगैरह सारी चीज़ के अंदर दिखाता है। आइए रियर से बात करूँ मैं आपको, रियर में इसके अंदर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। दो हेडर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और डुअल टोन वेरिएंट आपको हर वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। डुअल टोन के अंदर आपको पूरा मतलब बेस मॉडल से ही आपको वो मिल जाता है डुअल टोन में। यहाँ से खोल सकते हो भाई, ये मतलब अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है। ये है 90 डिग्री डोर ओपनर मिलते हैं भाई, जैसे डोर ओपनर की बात करूँ ना आपको मैं तो डोर ओपनर भी भाई इसके अंदर 90 डिग्री के डोर ओपनर होते हैं, आप देख सकते हो दोनों डोर ओपनर 90 डिग्री अपने ओपन होते हैं। ये मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब कन्वीनियंस वाली जो चीज़ होती है मतलब उतरने करने में, जैसे हेल्थी लेडी वगैरह जिसके घर में होती है वो काफ़ी अच्छा काम आता है। पावर विंडो आपको यहाँ मिल जाती है, बोतल होल्डर और भाई अम्ब्रेला होल्डर तो यहाँ पे मिलता है अपने को, यहाँ अम्ब्रेला होल्डर इसमें नहीं है, बोतल होल्डर ही है, एक मैक पॉकेट टाइप का इसके अंदर। या स्पीकर आपको यहाँ मिल, चार स्पीकर मिलते हैं। सीट अपने कैसे मिल जाती है, हेडर्स आपको फिक्स नहीं मिलते हैं, फिक्स मिलते हैं रियर वाले, हेड एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, आमरस वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं आता। ये मतलब भाई देखो जिसको बजट है ना, मतलब 9.5 लाख के अंदर प्राइस आपको बताऊँगा, 9 लाख के अंदर आती है इसका। अभी भी आपको सारी चीज़ बताऊँगा, रियर से बात करूँ, रियर एंटीना आपको ऐसा मिल जाता है। आज के टाइम पे भाई टाटा थोड़ा सा पुराने ज़माने में जी रहा है, भाई एंटीना बड़ा सा दोगे तो टावर से ज़्यादा आते हैं। ये है, चलो इसको खोल लेता हूँ एक बार। ICNG की बैजिंग, पंच की बैजिंग, कैमरा भी इसके अंदर आता है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा एक बार। अब जहाँ बात होती है ना, जैसे कई लोग कहते हैं भाई CNG गाड़ी तो स्पेस नहीं आता, और भाई इसके अंदर CNG कहाँ है, यहाँ पे आप ICNG की बैजिंग आप मुझे दिखा रहे हो, जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ICNG की बैजिंग, यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है ICNG का। तो भाई कई लोग कहते हैं जिसको नहीं है, मतलब ज्ञान लोग दुनिया ज्ञान बताती है, जैसे नहीं हो ध्यान, तो भाई इसमें सिलेंडर कहाँ है कहाँ लगाएं, तो सिलेंडर भाई टाटा ने यहाँ पे अपने को लगा के दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड इसको उठाता हूँ। यहाँ पे अपने को CNG सिलेंडर मिल जाता है भाई, 2 5-5 लीटर के CNG सिलेंडर मिलते हैं इनके अंदर भाई, वैसे बोटर कैपेसिटी के अंदर 8 लीटर की आती है, लेकिन इसके अंदर 5 लीटर इसमें आता है, 5 लीटर इसके अंदर। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किस पेट्रोल पंप पर गैस कितनी प्रेशर है कितना प्रेशर नहीं है उस हिसाब से आता है, लेकिन 10 लीटर के अंदर CNG फिल दोनों अंदर आ सकती है, और 250 से 300 किलोमीटर अपनी ये प्रॉपर अपनी रेंज अनुसार अपना जा सकता है। अब इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये अपने को ट्विन हुक मिल जाता है मतलब जैक चढ़ाने के लिए, और अपना इसमें जैक वगैरह सारी चीज़ें भाई। अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई टाटा वालों, लाइट भी है भाई इसमें, क्या बात है यार, छुपे रुस्तों में धीरे धीरे मतलब छोटी छोटी चीज़ें छुपा के देते हैं, ये मुझे मतलब एक चीज़ बताऊँ, कन्विंस वाली चीज़ें ना भाई टाटा ने पूरी ग्रैप हैंडल भी आपको यहाँ मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें। चलो लाइट भी अपने को यहाँ मिल जाता है, अगर फॉलो मी हैंडल के साथ में भी अपना काम करती है भाई, व्हाइट लाइट तो नहीं है, मतलब व्हाइट लाइट जैसी काम करती है, येलो लाइट ही है। ये है अगर बूट स्पेस की बात करूँ, बूट स्पेस काफ़ी मतलब 200 समथिंग आपको बूट स्पेस के अंदर, 185 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस आता है, मतलब 200 कमरे से अपना काम कर लेता है, बूट पार्सल ट्रे वगैरह सारी चीज़ के अंदर आ जाती है। चलो इन केस आपको मैं कैमरा दिखाता हूँ, कैमरे की क्वालिटी कितनी कैसी क्या है कैसी क्या नहीं है। और यहाँ पे 50 लाख गाड़ी का जो स्टिकर आता ना, उन्होंने अब हटा दिया है भाई, अपना कुछ समय के लिए कुछ गाड़ियों पर अंदर दिया था, इस चक्कर में दिखाता हूँ आपको मैं कैमरा लगा के, देखो हो जा भाई चालू, हो गया। ये देखो कैमरे की क्वालिटी भाई, पीछे जो बंदा खड़ा होगा ना उसको भी आप देख सकते हो एक बार, मतलब प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में देखो है ना, यहाँ पे लाइन सब दो पार्किंग सेंसर का सब चीज़ के अंदर मिल जाते हैं। चलो भाई इन केस अब दिखाता हूँ इसका पेट्रोल इंजन और CNG इंजन कहाँ से खुलेगा भाई, इसका भूल गया यार मैं, तो ये है भाई, यहाँ पे वॉलेट वगैरह अपना रख सकते हैं, मतलब ड्राइवर के लिए कन्वीनियंस चीज़ें इसके अंदर दिया गया है।
अब दिखाता हूँ जैसे कहानी कहाँ बदलती है। जैसे ना मारुति के इंजन में आपको बात करूँ, जैसे 1200 cc का इंजन मारुति का आता है, उसके अंदर आता है भाई पेट्रोल के अंदर। अगर जेड सीरीज की बात करूँ, सब शिफ्ट में तो ना बंद हो गया, CNG शिफ्ट में आती नहीं है। अगर मैं बलिनो की बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो इंजन बलिनो 83 bhp पावर जनरेट करती है। अगर ये वाला इंजन हो ये भी 83 bhp, लेकिन अब कहानी कहाँ पलटती है सर, मैं CNG में आप गाड़ी ले जाओगे बलिनो तो वो करती है 74 bhp, और ये भी करता है भाई 83 bhp पावर जनरेट करता है CNG के अंदर अंदर। हालांकि कम पावर समय लगती है, लेकिन आपने 83 bhp पावर जनरेट कर लेता है। 4-channel ABS आपको पूरे यहाँ पे मिल जाता है, ABS EBDs के अंदर मिल जाता है, 2 airbag मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है, इनबिल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर भाई, TPMS इसके अंदर नहीं आता, ये काफी 3-cylinder Revlon पेट्रोल इंजन है। और भाई CNG रिड्यूसर बताऊँ मैं आपको, जैसे ना CNG रिड्यूसर यहाँ पर लगा रखा है, तो भाई इन्होंने जो मतलब होंडे दिखा के देती है भाई, जैसे हम लोग बाहर से लगा देते हैं, इन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं है। ECM अपना यहाँ लगा हुआ है, एक ECM यहाँ लगा हुआ CNG का, जैसे यहाँ से कटआउट करके अपना CNG पास, अगर गाड़ी सामने से हिट होती थी यहाँ से CNG लॉक हो जाती, एक पीछे लगा हुआ रिड्यूसर, दो मतलब दो रिड्यूसर इसके अंदर लगा के देती कंपनी, एक रिड्यूसर में काम नहीं चले अपना, दो यहाँ पर रेडिएटर अपना मिल जाता, मतलब काफ़ी क्लीन नीट और क्लीन इंजन इन्होंने इंजन दिया है। चलो इसको बंद कर दें, इंसुलेशन के लिए गत्ता लगा के दिया है। मतलब ये टाटा 2017 से 2022 तक काम अच्छा अपना करने लगी। दो वाइफर के साथ में आता है, दो वॉशर मिलते हैं नहीं मिलते हैं इसके अंदर, हाँ भाई दो वॉशर भी मिलते हैं। तो मतलब अब प्राइस बताता हूँ आपको, प्राइस कैसी क्या है कैसी क्या। भाई इसका जो प्राइस है ना भाई 8,95,000 एक्स शोरूम ऑन दिल्ली है, ऑल ओवर इंडिया है। अब बैरी करता है अपने स्टेट में कितने का ऑन रोड पड़ता है कितने का नहीं पड़ता है, 8,95,000। अब 95 कैसे 9 lakh भी कर, मैंने कहा ना 9 lakh के अंदर नहीं आ सकती, 9 lakh रुपए के अंदर भाई आपको 15 inch का टायर मिल रहा है, एंड्रॉइड सिस्टम मिल रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर टाटा ने करा रखी, 12 CNG सिलेंडर मिल रहा है, माइलेज आपको 26 से 27 कंपनी क्लेम करके देती, और क्या लोगे पेट्रोल के अंदर 21 का माइलेज क्लेम करके देती है। मेरे हिसाब से 9 lakh के अंदर भाई कोई घाटे का सौदा नहीं। एक्स रूम अपने बैरी कर लेना कितना ऊपर जाए कितना नहीं जाएगा। मैं प्रेजेंट में हूँ ग्लोब सिटी टाटा डबरा पिछोर तिराए पे, अगर आप लोग पिछोर तिराए से हो नियर बाय पिछोर तिराए पे आप आना, जे रोड के पास में आना, अपने आप कार की बुकिंग करना, इंक्वायरी लेना, जो भी अपने टेस्ट ड्राइवर सारी अवेलेबल इनके पास है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन कार से जरूर पहने, टूटे हेलमेट पहन के जरूर दें वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव।